Hi, you're watching Cooksmart and I'm Sanjeev Kapoor. और खाना अगर फटाफट बनाना हो तो तैयारी पहले से करके रख लें तो खाना फटाफट बन जाएगा. अब खाना बनाने के लिए तैयारी क्या करनी पड़ती है? सबसे पहले तो बाजार जाके सामान खरीदना पड़ता है. अब आजकल तो फोन पे, इंटरनेट पे, सब पे आप देखते हैं कि ऐसे ऑर्डरिंग हो जाती है. लेकिन फिर भी अगर आपने सामान खरीद भी लिया तो भी उसके बाद में फिर तैयारी करनी पड़ती है. भाई सब्जियां हैं, पहले सोचो क्या बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा. और अगर मेन्यू भी मिल गया, क्योंकि sanjeevkapoor.com है, foodfood.com है, अगर मेन्यू वहां से आपको मिल भी गया तो उसके बाद में रेसिपी बनाने का तरीका, उसके लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा ना. तो यहाँ पर ढेर सारी रेसिपीज. अब जैसे आज के एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ओरिएंटल, चाइनीज, उस तरह का खाना, ये क्योंकि सबको पसंद आता है. बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि घर का खाना नहीं, कुछ अलग चाहिए. खासतौर बच्चों की ये जो पसंद है ना, उसको किस तरह से पूरा करें. अब उसमें टेस्टी भी होना चाहिए और ऐसी जो चीज़ें जो आप पहले से खाते आए हैं वो किस तरह से इंक्लूड करें. अब जैसे अगर ये बच्चों को दिखा देना आप तो कहेंगे कि ये क्या, ये हम नहीं खाएंगे. ये एक्चुअली है लोटस रूट. जी हाँ, लोटस रूट. अब मुझे तो याद है कि इसके कोफ्ते बड़े अच्छे बनते थे. लेकिन अब इसको ये देखिए अच्छी तरह से धो के, स्क्रेप करके फिर आपने इसमें क्या करना है, इसके पतले पतले इस तरह से पीसेस काटने हैं. तो ये स्लांट पे आप इसके पीसेस काट लें. और ये ले लिया आपने, ये मेरे पास में है एस्पैरेगस. और एस्पैरेगस जो है बड़ी कमाल की चीज़. और ये एस्पैरेगस के टिप्स, ये बहुत बढ़िया. ये एस्पैरेगस, एस्पैरेगस, एस्पैरेगस. देखिए ये अब हमारे पास कुछ चीज़ें हो गई. और इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये लगाना है, वो लगाना है. बस इसको डाल दीजिए इसके अंदर और इसे कर देते हैं हम फ्राई. जब तक वो फ्राई होते हैं ना तब तक बाकी काम फटाफट. थोड़ा सा लिया तेल और ये मेरे पास में है गार्लिक. गार्लिक को चॉप करके ये थोड़ा एक तरह से स्वीट एंड सार इसका टेस्ट देंगे. गार्लिक जो है बड़े मज़े से पक रहा है और गार्लिक तो ऑलमोस्ट बस तैयार ही है. इसके साथ ये प्याज, ये लीजिए प्याज आ गया. और इसमें ये मेरे पास है टोमेटो केचप. आहा, तो टोमेटो केचप ये ले ली और इसको अच्छी तरह से कर दिया मिक्स. और इसमें ये जो हमारे पास एस्पैरेगस है ना, जिसमें टिप्स नहीं, दूसरा हिस्सा जो है ये ले लिया. ये स्प्रिंग अनियन, एक्चुअली जिस तरह से एस्पैरेगस है ना, बस कुछ उसी तरह से. ये थोड़ा मोटा है तो इसको पतला कर देते हैं. काश मोटे लोग इस तरह से पतले हो जाते. प्याज इसके अंदर प्यार के साथ. और ये स्प्रिंग अनियन इसके साथ में, नाइस ब्यूटीफुल लुक्स गुड. मिर्च भी डलेगी इसके अंदर और मिर्च जो है वो डलेगी ये मिर्च की पेस्ट. और ये मिर्च की पेस्ट है ना, ये कैसे बनानी है, बड़ा सिंपल है. आप मिर्च जो सूखी वाली रहती हैं वो ले लें और उसको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर 15-20 मिनट भिगोएं. अच्छा, उसमें से पहले बीज निकाल लें, ज़्यादा बीज नहीं चाहिए. और फिर उसके बाद उसको पीस लें, दैट्स इट. चलिए ये जो है अब हमने इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल दी और ये जो हैं ये हमारे तैयार हो गए लोटस रूट्स, क्रिस्प करारे खस्ता ये आ गए. और फिर इसके अंदर ये जो है हमारे पास, ये लीजिए एस्पैरेगस के टिप्स. और इसमें हम डालते हैं थोड़ी चीनी. ये देखिए ये चीनी इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये. और इसी तरह से इसमें नमक भी चाहिए हमें, तो नमक जो है नमक भी ले लेते हैं. नमक और चीनी दोनों चीज़ें डाल दी हमने. इसमें थोड़ा सा विनेगर, ये लीजिए. ये सब चीज़ें डाल के बस इसको टॉस करना है आपने. ये टॉस हो गया. और इसमें अब ये बहुत ही बढ़िया एज ए स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं, कैसे भी आपने सर्व करना है. बस ये देखिए एकदम बढ़िया क्रिस्प करारे. और अगर आपको ये
चाहिए ग्रेवी के अंदर, थोड़ा सॉस के अंदर, तो इसी में ही स्टॉक थोड़ा डाल के उसे गर्म कर लें, कॉर्नस्टार्च पानी के अंदर घुला हुआ डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लें। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना बनाएं, तो इसको आपने ड्राई बनाना है, लटपटा बनाना है, ग्रेवी में बनाना है, कैसे भी बनाना है, बस ये स्वादी होना चाहिए जी। तो ये स्वादी जो है ये हो गया बढ़िया से गर्मा गर्म। लोटस रूट, वाह भाई, ये जो लोटस रूट है ना, ये इतनी बढ़िया चीज है कि ये रूट जो है काफी रूठे हुए लोगों को भी बना सकती है। बड़े प्यार से लोटस रूट बनाइए और रूठे हुए लोगों को मनाइए।